मैं राम पर चर्चा करूं, एक ऐसे राम जो मनुष्यता का सब्लिमेशन है, जो सबसे बड़े हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट अच्छे हैं, जो मैनेजमेंट गुरु अच्छे हैं, जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप को समझने के लिए ठीक हैं, जो स्ट्रेस को किस तरह से बस्ट कर सकते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट किस तरह सिखाते हैं और एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये राम सिखाते हैं। और जब मैं कहता हूं राम, तो ये राम केवल वही नहीं है जहां हिंसा के सहारे गिरे हुए बापू के मुख पर आकर विराजित होते हैं, ये राम केवल वही नहीं है जो करोड़ों करोड़ लोगों के, अरबों अरबों लोगों के जीवन का मानक बनते हैं। जितने भी लोग हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, कलेजे पे हाथ रख के बताइए, अपने बचपन में जब आपके घर वाले आपको रामलीला दिखाने के लिए ले गए थे, या आप जब अपने बच्चों को रामलीला दिखाने के लिए ले जाते हैं, तो उनसे क्या कहते हैं? क्या राम का चरित्र समझाने के लिए ले जा रहे हैं? क्या राम के माध्यम से मर्यादा समझाने के लिए ले जा रहे हैं? बचपन से हम अपने बच्चों से कहते आए हैं कि रामलीला चलो रावण दिखाने ले जा रहे हैं। जब जब रामलीला में हम रावण दिखाएंगे, तब तक राम के करीब नहीं आ पाएंगे। इसलिए राम देखना है तो अपना अपना राम देखना है। और हमारी रामलीलाओं की उपलब्धि भी ये है, इस बार रावण 105 फीट ऊंचा, फला कॉलोनी का रावण 120 फुट ऊंचा, यानी कि रावण की ऊंचाई प्रकृति में बढ़ती चली जा रही है और राम का कद घटता चला जा रहा है। इसलिए अगर राम का कद बढ़ाना है तो अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा। वो राम जो सबके हैं, जो हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, जिनके बारे में उर्दू के शायरों ने गजब तरह की नज़में, कविताएं, कहानियां, गजलें कही हैं, जिनके बारे में उर्दू के मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा, है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। जिनको हिंद का इमाम कहा गया। उर्दू के एक मशहूर कवि और समाजवाद आंदोलन के जनक लोहिया जी के बड़े प्रिय मित्र शमशी मीनाई, स्वर्गीय शमशी मीनाई साहब ने राम पर एक अद्भुत कविता कही, मुझे बड़ी प्रिय है और बहुत कम लोगों ने सुनी है। उन्होंने कहा कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है, तुलसी ने वाल्मीकि ने, जो तुलसी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण कुछ धन्योपि, बहुत सारे अन्य प्रकार के ग्रंथों को पढ़ के मैंने ये लिखी है। और पूज्य आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी ने जो मानस की टीका लिखी है, उसमें उन्होंने क्रमवार बताया है कि तुलसी बाबा ने कैसे 264 प्रकार के ग्रंथ पढ़कर रामचरितमानस की संरचना की है। क्या अध्ययन और उससे क्या नवनीत निकला है, क्या मक्खन निकला है। तो शमशी मीनाई कहते हैं आपकी, आपके उत्साह में और जरा वृद्धि हो कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूँ मैं, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं। कोई पयाम हक वो सब है मेरे लिए, कोई पयाम हक वो सब है मेरे लिए, दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए, दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए, वो राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, वो राम जिसका नाम है, ये शमशी मीनाई कह रहा है, वो राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, वो राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, लीला है जिसकी ओम की खुशबू लिए हुए, लीला है जिसकी ओम की खुशबू लिए
अवतार बन के आई थी गैरत शबाब की, अवतार बन के आई थी गैरत शबाब की, भारत में सबसे पहली किरण इंकलाब की, भारत में सबसे पहली किरण इंकलाब की, भारत में सबसे पहली किरण इंकलाब की। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि एक गांव जिसका सच का फरेरा ही हो गया, एक राम जिसका सच का फरेरा ही बन गया, हर गांव जिसका सच का फरेरा ही बन गया, हर गांव जिसका सच का फरेरा ही बन गया, वनवास जिंदगी का सवेरा ही बन गया, वनवास जिंदगी का सवेरा ही बन गया। एक तर्ज एक बात है हर खासो आम को, एक तर्ज एक बात है हर खासो आम को, दुनिया के हर आदमी के लिए राम कथा में से कुछ ना कुछ मिलता है। एक तर्ज एक बात है हर खासो आम से, एक तर्ज एक बात है हर खासो आम से, मिलते हैं कैसे कैसे सबक हमको राम से, मिलते हैं कैसे कैसे सबक हमको राम से, ऊंचा उठे तो फर्क न लाए शऊर में, 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 कोई बढ़े न हद से ज्यादा गुरूर में, कोई बढ़े न हद से ज्यादा गुरूर में। राम प्रतीक है इस बात का कि कोई व्यक्ति अपने अहंकार की सीमा पार न करे। कानपुर के बड़े शायर हैं अंसार कमरी, उनकी गजल का शेर है, अपनी हद में रह के देना दान हो या दक्षिणा, अपनी हद में रह के देना दान हो या दक्षिणा, वरना तुमको वक्त का रावण उठा ले जाएगा। कोई बढ़े न हद से ज्यादा गुरूर में, कोई बढ़े न हद से ज्यादा गुरूर में, जंगल में भी खिला, जंगल में भी खिला तो रही फूल की महक, जंगल में भी खिला तो रही फूल की महक, गुदड़ी में रह के लाल की जाती नहीं चमक, गुदड़ी में रह के लाल की जाती नहीं चमक, दिल से कभी ये प्यार निकाला न जाएगा, दिल से कैसे बेटे है राम ऐसे सन, दिल से कभी ये प्यार निकाला न जाएगा, दिल से कभी ये प्यार निकाला न जाएगा, माँ बाप का ख्याल भी टाला न जाएगा, माँ बाप का ख्याल भी टाला न जाएगा, बेटा वही जो बाप का फरमान मान ले, बेटा वही जो बाप का फरमान मान ले, शौहर वही जो लाज पे मरने की ठान ले, शौहर वही जो लाज पे मरने की ठान ले, शौहर वही जो लाज पे मरने की ठान ले, और बाप वो जो बेटों को लव कुश बना सके, और बाप वो जो बेटों को लव कुश बना सके, जंगल में पैदा हुए लव और कुश और वही वाल्मीकि के आश्रम में पढ़े, भारत की शिक्षा परंपरा में राम को कृष्ण को किसी भगवान को आपने घर पे ट्यूशन लगाते नहीं देखा होगा। गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सम्भाई, यानी कि गुरु के घर जाना है, गुरु का पद कितना बड़ा है उस संस्कार में, तब कहते हैं और बाप वो जो बेटों को लव कुश बना सके, और बाप वो जो बेटों को लव कुश बना सके, उनको जगत में जीने के सब गुण सिखा सके, उनको जगत में जीने के सब गुण सिखा सके, भाई जो चाहे भाई को तलवार की तरह, भाई जो चाहे भाई को तलवार की तरह,
एक पुरुषार्थी के लिए, एक योद्धा के लिए तलवार से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। इसीलिए लक्ष्मण को कहा जाता है लक्ष्मण, रामो में दक्षिणो बाहु, मैं राम की दक्षिणी भुजा हूं, ये लक्ष्मण का संकल्प है ना। और वो भी कहते हैं, राम भी कहते हैं उनके मूर्छित होने पर, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया। कैसे? विपति विदारण बंधु बाहु बिन करत भरोसो काको, जो विपत्ति को विदीर्ण कर देता था ऐसी दक्षिणी भुजा जैसा मेरा भाई मूर्छित पड़ा हुआ है, मेरा पुरुषार्थ किस काम का है। ऐसा भाई राम, ऐसा दोस्त। भाई जो चाहे भाई को तलवार की तरह, 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 जर्नल जो रखे फौज को परिवार की तरह, जर्नल जो रखे फौज को परिवार की तरह, राजा वही गरीब से इंसाफ कर सके, राजा वही गरीब से इंसाफ कर सके, दलदल से जात पात से हर दम उबर सके, दलदल से जात पात से हर दम उबर सके, जो वर्ण भेद भाव के चक्कर को तोड़ दे, जो वर्ण भेद भाव के चक्कर को तोड़ दे, शबरी के बेर खा के जमाने को मोड़ दे, शबरी के बेर खा के जमाने को मोड़ दे, शबरी के बेर खा के जमाने को मोड़ दे, इंसान हक की राह में हर दम जमा रहे। राम ने सिखाया, सामने कितनी भी बड़ी शक्ति हो अगर बात हक की है तो वहां खड़े रहना है। इंसान हक की राह में हर दम जमा रहे, इंसान हक की राह में हर दम जमा रहे, यह बात फिर फजूल के लश्कर बढ़ा रहे, यह बात फिर फजूल के लश्कर बढ़ा रहे। क्या सिखाते राम? ईमान हो तो सोने का अंबार कुछ नहीं, ईमान हो तो सोने का अंबार कुछ नहीं, हो आत्मबल तो लोहे के हथियार कुछ नहीं, हो आत्मबल तो लोहे के हथियार कुछ नहीं, हो आत्मबल तो लोहे के हथियार कुछ नहीं। बीच बीच में याद रखिए, आज तक से सुनने वालों में शमशी मीनाई को सुना रहा हूँ, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने वाले लोगों, आज कान खोलकर सुनो इस दीपावली से पहले कि राम किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी पार्टी का नहीं है। जब तक मनुष्यता में आखिरी आदमी जीवित है, राम आदर्श बनकर तब तक उपस्थित रहेगा। रावण की मैंने माना के हस्ती नहीं रही, 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 रावण का कारोबार है फैला हुआ अभी, रावण का कारोबार है फैला हुआ अभी, छाया है हर एक सिम जो अंधेरा घना हुआ, छाया है हर एक सिम जो अंधेरा घना हुआ, हिंदुस्तान आज है लंका बना हुआ, हिंदुस्तान आज है लंका बना हुआ, जो जुल्म से डरे, जो जुल्म से डरे वो उपासक हो राम का, जो जुल्म से डरे वो उपासक हो राम का, सोने पे जान दे वो उपासक हो राम का, सोने पे जान दे हो राम का, वो राम जिसने जुल्म की बुनियाद ढाई थी, वो राम जिसने जुल्म की बुनियाद ढाई थी, जिसके भगत ने सोने की लंका जलाई थी, जिसके भगत ने सोने की लंका जलाई थी, हर आदमी ये सोचे जो होशो हवास है, हर आदमी ये सोचे जो होशो है, वो राम के करीब है रावण के पास है, वो राम के करीब है रावण के पास है, वो राम के करीब है रावण के पास है, लोगों को राम
राम से जो मोहब्बत है आजकल, लोगों को राम से जो मोहब्बत, पार्टियों को तो बहुत ही ज्यादा है, लोगों को राम से जो मोहब्बत है आजकल, गाइए, लोगों को राम से जो मोहब्बत है आजकल, पूजा नहीं अमल की जरूरत है आजकल, पूजा नहीं अमल की जरूरत है आजकल, पूजा नहीं अमल की जरूरत है आजकल, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं रामचंद्र भगवान की।